हेलो गाइस, वेलकम टू रूबल गुप्ता ब्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं मनाली। से हाय, से हाय रिदम। तो अभी हमने बिलासपुर में खाना खाया और फिर हम मनाली की तरफ निकल गए। हमारे मनाली जाने से एक दिन पहले रात को 11 बजे पंडो में लैंडस्लाइड होने के कारण हमें काफ़ी ट्रैफिक जाम पूरे रास्ते मिला, जिस करके हम बहुत लेट मनाली पहुंचे। हम सुबह 5 बजे चंडीगढ़ से निकले और जाकर रात को 9 बजे मनाली पहुंचे। ये सब ट्रैफिक के करके हुआ, क्योंकि हम आधे रास्ते तो ट्रैफिक में ही फंसे रहे। हमारा होटल मॉल रोड के आसपास ही था, तो इस टाइम हम अपने होटल को ढूंढ रहे थे। अगले दिन हम मनाली से किलोंग के लिए निकले और हमें रास्ते में बहुत अच्छे अच्छे होटल्स और कैफेज मिले। हम रास्ते में SLS रेस्टोरेंट रुके ब्रेकफास्ट करने के लिए। किटकैट जिंदगी। ब्रेकफास्ट करके हम अटल टनल पहुंचे और हमारी गाड़ी की थोड़ी चेकिंग वगैरह भी हुई। जैसे ही हमने अटल टनल क्रॉस करी, हमारे आसपास का सारा एटमॉस्फेयर चेंज हो गया। जैसे ही हम टांडी ब्रिज पहुंचे, हमें फौजियों की एक पूरी बटालियन देखने को मिली। अटल टनल के बाद से किलोंग के रास्ते की रोड बहुत अच्छे से बनी हुई थी।
फाइनली हम केलोंग पहुंचे और हमने अपने होटल में चेक इन किया। केलोंग एक बहुत ही छोटा सा शहर है जहां सिर्फ 300 लोग रहते हैं। एक दिन हमने केलोंग में स्टे करा और अगले दिन हम 8-9 बजे बारालाचा के लिए निकल गए। केलोंग और बारालाचा के बीच में आपको सिर्फ खाने पीने की दुकानें मिलेंगी, वो भी बहुत कम। हम रास्ते में ब्रेकफास्ट करने जिस्पा की एक दुकान में रुके जहां हमने आलू पराठे खाए। वैसे तो बारालाचा तक की सड़क बहुत अच्छी है, मगर रास्ते में 50 या 100 मीटर के ऐसे पैच आते हैं जहां गाड़ी चलानी थोड़ी मुश्किल होती है। बारालाचा के रास्ते में एक बहुत अच्छी लेक आती है जिसका नाम दीपक ताल है। ये बहुत ही सुंदर लेक है। दीपक ताल क्रॉस करने के बाद हम जिंगजिंग बार पहुंचे। यहाँ की भी सड़कें बहुत अच्छी थी और इधर खाने पीने की भी काफ़ी शॉप्स थी। अरे मैं भी। हम फाइनली बारालाचा पास पहुंचे। यहाँ ऑक्सीजन की कमी की वजह से हम 15-20 मिनट से ज़्यादा यहाँ नहीं रुक पाए। अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो अपने साथ एक ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके चलें। लेटना लूटना नहीं है मेरा। वो किसी का पैर घुस गया होगा यहाँ पे। ला मैं तेरी फोटो खींच ले। बारालाचा से 3 किलोमीटर पहले सूरजताल लेक भी आती है। ये एक बहुत सुंदर लेक है और इस लेक का कुछ पार्ट जमा भी हुआ था। उसके बाद हम बारालाचा से दोबारा मनाली आ गए। शाम को मनाली पहुंचने के बाद हमने मॉल रोड में डिनर करा।